Hello everybody, welcome to our channel Cricket Storm with me, Odisha Sharma. Today we will talk about the Fantasy 11. Let's start our procedure with wicketkeeper. The first one is AB de Villiers. His wicketkeeping is always been worth remembering. यहाँ तक कि उन्होंने इस साल के IPL में MI के अगेंस्ट 48 रन की पारी खेली थी और RCB को जीत का रास्ता दिखाया था. तो इनकी विकेट कीपिंग और बैटिंग ऑर्डर दोनों ही बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड हैं. Our second player is Johnny Bairstow. His recent form in national team is really appreciated. Even his batting order is highly boosted. इनकी विकेट कीपिंग एबिलिटी भी काफी अच्छी रही है. His 55 runs against KKR create almost trouble for KKR. अब बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर की. The first one is captain himself विराट कोहली. इनके बारे में क्या ही कहना, मिस्टर डिपेंडेबल हैं ये टीम के लिए और इनका एज अ ओपनर उतरना टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है. इनका एज अ ओपनर मिडिल ऑर्डर के लिए काफी डेप्थ क्रिएट कर रहा है. द सेकंड वन इज मनीष पांडे. ही हैज बीन अ वेरी वर्सेटाइल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड स्कोर्ड 66 अनबीटन रन अगेंस्ट केकेआर व्हिच मेक्स हिम अ बेटर वाइस कैप्टन फॉर फैंटेसी 11. द थर्ड वन इज डेविड वॉर्नर. RCB के अगेंस्ट इन्होंने काफी बेहतरीन पारी खेली है. कुल 9 मैचों में इन्होंने 562 रन जड़े हैं जो कि 80 के एवरेज में. तो इन्हीं यही काबिलियत इनको फैंटेसी 11 में प्लेस करती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑलराउंडर. द फर्स्ट वन इज मोहम्मद नबी. इनकी ऑलराउंडर कैपेबिलिटी हमेशा से ही बेहतरीन रही है. हाल ही में इन्होंने केकेआर के अगेंस्ट 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे और इनकी बॉलिंग एबिलिटी भी काफी उम्दा है. द सेकेंड वन इज द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल. हाल ही के IPL में इन्होंने अपना वेलकम काफी रॉयल तरीके से किया है और MI के अगेंस्ट इन्होंने 39 रन की पारी खेली है जिसमें से 2 छक्के मारे हैं और इनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रही है. बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी इनका परफॉर्मेंस काफी उम्दा रहा है जो इन्हें प्लेस करता है फैंटेसी 11 में. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द बॉलिंग यूनिट स्टार्टिंग ऑफ विद रशीद खान हुज मैच अगेंस्ट KKR वॉज रियली ट्रेमेंडस where he took 2 important wickets of Shubman Gill and Andrew Russell with an economical spell of 6 in 4 over span. The second bowler will be Harshal Patel, the hero for the first match against MI, where he has been awarded with man of the match for his 5 wicket haul for conceding 27 runs in 4 overs, which definitely makes his place in Fantasy 11. Third one will be Mohammad Siraj, who had bowled well against MI in the opening match, where by just giving 22 runs in 4 overs. इनका पेस काफी बेहतर रहा है इस सीजन में. The last one will be Bhuvneshwar Kumar. His pace and variations always makes him a fantasy player. The match against KKR wasn't good, but his variations adapted to the conditions always makes him a player in fantasy team. This team is totally created on tactical analysis and statistical approach and can be used in your decision making in different fantasy apps. Please like, share, subscribe and comment in our comment box for more such videos. Thank you.